माननीय अध्यक्ष जी, दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक लोकसभा से गुरुवार को पास हो गया। सरकार की तरफ से पक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रखा, तो इस दौरान उनका कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने विरोध किया। अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए सदन में कहा, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि संविधान में भी हमें अधिकार दिया गया। तो 93 से लेकर 2015 तक किसी भी मुख्यमंत्री को कभी भी झगड़ा नहीं हुआ। आप भी आए, हम भी आए, ऊपर हम भी थे, आप भी थे, क्योंकि झगड़ा इसलिए नहीं हुआ कि जो भी आए, मैं तो आपके वखान कर रहा हूं अधीर रंजन जी, समझिए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, जो भी आए उनका मकसद दिल्ली की जनता की सेवा करना था। अगर सेवा करनी है तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं, मगर अधिकार चाहिए तो झगड़ा करने, और झगड़ा करने का स्वभाव ही हो तो क्या कर सकते हैं, हम तो रिसीविंग एंड पर है, भी झगड़ लो, अब क्या कर सकते हो। आप दिल्ली की जनता ने आपको चुना है, आप झगड़ा करना चाहते हो, और रूल्स बनाने के पावर के बारे में किसी सदस्य ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल्स बनाने के अधिकार, जो एक्ट बनाने का जिसके पास अधिकार है उसी के पास रूल्स बनाने के अधिकार रहते हैं। एक्ट बनाने का अधिकार भारत सरकार को है, तो एक्ट के रूल बनाने का अधिकार, ये बेसिक समझ का विषय है। कैबिनेट नोट का सवाल किया, इसमें भी आप इसको गलत भ्रांति खड़ी कर रहे हो, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कैबिनेट नोट आज भी कोई भी राज्य हो, आप लोग की कई राज्य में सरकार है, वहां कैबिनेट नोट कैबिनेट सचिव की साइन से ही कैबिनेट में जाती है। इस बिल को पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। अमित शाह ने इस दौरान केजरीवाल और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, अभी तक ये लोग चर्चा के लिए कह रहे थे कि पीएम आए तब चर्चा होगी, लेकिन आज क्या हुआ, आज तो पीएम नहीं आए, फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया। आप जैसा मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, में मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है भाई करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा।